माइंड ये तो मतलब जरूरी है आपकी बात इच्छा की थी। जैसे फ्री भी बना सकते हो दिक्कत, जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो इसे डेवलप करनी है। हाँ ये मतलब सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं साफ बिल्कुल एक कुरेशी के साथ। कैसे क्या वो तो सही है, एक्शन तो सही है। मैंने क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो 2 का वर्गमूल होता है उसमें मैंने 5710 डिजिट्स 1 घंटे 42 मिनट लगातार आंखों में पट्टी बांध के रिकॉल किया है। और एग्जिट रिकॉर्ड था वो अमेरिका का रिकॉर्ड था जो 5544 डिजिट था जो उन्होंने 2006 में बनाया था। मैंने वो रिकॉर्ड 3 जून को ऑफिशियली रिकॉर्ड ब्रेक हो गया और नाम दर्ज हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में। इसके अलावा मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रंट ऑफ टीम के सामने फरीदाबाद इंडिया में 243 डिजिट्स 1 मिनट में रिकॉल करके एक यूरोप का रिकॉर्ड था लवेलो ब्लेव उनका रिकॉर्ड ऑफिशियली मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसके अलावा नेशनल रिकॉर्ड में जॉन केरी जिन्होंने 112 डिजिट्स 2 मिनट 8 सेकंड में रिकॉल किया था उस रिकॉर्ड्स को मैंने ऑफिशियली ब्रेक कर दिया है। 1 घंटे 42 मिनट में लगातार आंखों में पट्टी बांध के मैंने रिकॉल किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में दर्ज हो गया है। मैं आगे प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। मेरी जो लाइफ में एक सपना है एक एम है कि मैं प्रोफेसर बनूँ। सभी स्टूडेंट जैसे पढ़ते हैं मेमोराइज मैथमेटिक्स में भी किसी चीज़ को मेमोराइज करना है, इनको मेमोराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने डिजिट्स का एक विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाए। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है एक दृश्यात्मक, एक डिजिट्स को दृश्यात्मक माइंड में अगर स्टोर करोगे तो ही वो स्टोर होगा माइंड में। इसके अलावा अगर आप विजुअलाइजेशन या फिर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे तो वो मेमोराइज मेमोराइज नहीं होगा। वही बात।